सुरों की मलका, बुलबुले हिंदुस्तान, उर्दू गायकी का सबसे रोशन सितारा आज डूब गया। नामवर गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसी। वो अपने करोड़ों पुरस्कारों को सोगवार कर गईं। प्रेम मोहब्बत के गीत गाने वाली लता ने खुद शादी नहीं की। लता जी 1929 में भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई। कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से 9 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इन्हें दाखिल कराया गया था, जहां वो तदमे मर जेरे इलाज रही। इनकी तबीयत कुछ संभल गई थी, मगर गुज़िश्ता रोज लता मंगेशकर की सेहत फिर बिगड़ गई। इन्हें दूसरी मर्तबा ICU में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जाबिर ना हो सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर के मुतअद्दिद आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। लता जी के इंतकाल पर भारत में 2 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया गया है और लता जी की याद में भारतीय परचम भी 2 दिन तक सरनिगू रहेगा। भारत की बुलबुल कहलाने वाली आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा ने सिर्फ 13 बरस की उम्र में गुलकारी का आगाज किया और अपना पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड कराया। लता जी मारूफ पाकिस्तानी गुलकार मेहदी हसन की बहुत बड़ी मदद थी। इनके बारे में कहती थी कि मेहदी हसन के गले में तो भगवान बोलता है। मलका तरन्नुम से भी खूब उनसियत रखती थी। पाकिस्तानी गुलकार नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ भी आवाज का खूब जादू जगाया। 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल तवील करियर के दौरान लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ जबानों में 30,000 गाने गाए। प्यार का नगमा है, दीदी तेरा देवर दीवाना, अजीब दास्तां है ये, लग जा गले, आजा पिया तो है प्यार दूं समेत दर्जनों मकबूल तरीन गानों में आवाज का जादू जगाया। भारतीय हुकूमत की जानिब से लता जी को 3 सबसे बड़े सिविल अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया। 13 साल की बुलबुल आज फिजा को सोगवार कर गई। पाकिस्तान इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों और गुलकारों का कहना है कि इनकी खला को पूरा करना नामुमकिन है। इनके गीत हमेशा से ही जबान जदे आम रहे हैं और रहेंगे।